हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू, आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है आप सबको हिला कर रख देगा, हु इज न्यू गॉड ऑफ बॉलीवुड। क्या न्यूमोलॉजी किसी को गॉड भी बना सकता है? जैसा कि आप जानते हैं न्यूमोलॉजी ने गॉड भी बनाया है, शहंशाह भी पैदा किया है, किंग भी बनाया है लोगों को, है ना। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, सेकेंड गॉड ऑफ क्रिकेट रोहित शर्मा को कहा जाता है, न्यू गॉड ऑफ क्रिकेट विराट कोहली कहा जाता है। सब कुछ न्यूमोलॉजी, नंबर गेम्स ने बनाया उनको, है ना। बॉलीवुड में शहंशाह अमिताभ बच्चन को किसने बनाया? न्यूमोलॉजी ने बनाया, है ना। किंग खान हमारे शाहरुख खान, उनको बादशाह खान कहा जाता है, किंग खान कहा जाता है, उनको न्यूमोलॉजी ने बनाया। आमिर खान को परफेक्शनिस्ट न्यूमोलॉजी ने बनाया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। बॉलीवुड तो छाया हुआ है न्यूमोलॉजी से सब कुछ। एकता कपूर को आज इतनी बड़ी, है ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनी किसकी वजह से? सिर्फ न्यूमोलॉजी की वजह से। क्या ऐसा संभव है कि न्यूमोलॉजी न्यू गॉड ऑफ बॉलीवुड भी बना सकता है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। इससे पहले कि मैं बताऊं कि आज के डेट में वो हु इज़ द न्यू गॉड ऑफ बॉलीवुड, इससे पहले मैं बता दूं कि आज फिर से इंडियन वुमेन्स टीम क्रिकेट मैच जीत चुकी है। मेरा फिर से 61 प्रेडिक्शन सही हो चुका है, 100% ट्रू ऑनलाइन विद इन 7 मंथ्स। आज 15th है, 15 फरवरी है, आज मेरा 7 मंथ्स पूरा हो गया। आज से 7th मंथ शुरू हो गया। 7 महीने के अंदर मैं हिंदुस्तान का पहला ऐसा न्यूमोलॉजिस्ट है यूट्यूब पे जिसका 61 प्रेडिक्शन सही हो चुका है 100% ट्रू ऑनलाइन राधे कृष्ण की कृपा से। मैं 20% भी एरर मैं इंक्लूड इसमें नहीं करता। इसका मतलब ये है कि मैंने आज तक जो भी न्यूमोलॉजी करके दी है आज 24 साल में 50,000 लोगों को, वो सब परमोटेशन कॉम्बिनेशन 100% सही है। इसलिए आज भी देर नहीं हुई है, आज ही पेड ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी या न्यूमोलॉजी मुझसे करवाओ, एस्ट्रोलॉजी आचार्य जी से करवाओ। और अगर नहीं, उसके साथ साथ आप कमाना भी चाहते हो और लाखों लोगों का भलाई करना चाहते हो, तो आज ही अपना न्यूमोलॉजी कोर्स सीखो मुझसे। न्यूमोलॉजी सीख के अर्न भी करो, लर्न भी करो, अर्न भी करो। मिनिमम 60,000 रुपीज से 5 लाख से 15 लाख रुपीज 5 साल के अंदर जल्द से जल्द। सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिखा हुआ है, पढ़ो समझो। नहीं समझ में आता है मुझे कॉल करो, मुझसे पूछो कि क्या है। और आज या तो एडमिशन लो या तो अपना अपने पूरे परिवार का न्यूमोलॉजी स्टडी कराओ, अपने भाग्य को चमकाओ। अगर आप भी न्यू गॉड ऑफ कुछ भी बन सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको न्यूमोलॉजी करानी है या नहीं करानी है। चलिए मैं बताता हूँ कि हु इज न्यू गॉड ऑफ बॉलीवुड। आपको जान के बेहद खुशी होगी। अगर आज आप उसके फ़ैन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो मैंने बताया वो सही बताया कि नहीं बताया, आप उस मेरे से सहमत हो या नहीं हो। और वो न्यू गॉड ऑफ बॉलीवुड और कोई नहीं, वो हमारे किंग खान हैं जिसका नाम है शाहरुख खान। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, शाहरुख खान आज की डेट में हमारे न्यू गॉड ऑफ बॉलीवुड हैं। गॉड क्या करता है? गॉड दूसरे को जीवन देता है, दूसरे के जीवन में खुशियां लाता है, है ना, उसके अंदर जीवन फूंकता है। शाहरुख खान ने आज 5 साल जो बॉलीवुड सूखा पड़ गया था एक मूवी से, सिर्फ पठान मूवी से, उन्होंने उस बॉलीवुड में आज 5 साल के भीतर पूरे इंडियन हिस्ट्री का सिनेमा का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। उनकी इस मूवी ने विद इन 1 मंथ के अंदर 25 जनवरी को रिलीज हुई थी, आज 15 फरवरी है, 1500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है, है ना। उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि किंग इज किंग, है ना, खान इज खान, बादशाह इज बादशाह, है ना। उनको न्यू गॉड ऑफ बॉलीवुड का खिताब मिल चुका है, करोड़ों लोगों ने, उनके फैंस ने उनको न्यू गॉड ऑफ बॉलीवुड का खिताब दे दिया है। अगर आप मुझसे सहमत हो तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताना। और उसकी वजह क्या है, इनको न्यू गॉड ऑफ बॉलीवुड किसने बनाया? न्यूमोलॉजी ने बनाया। कैसे बनाया? जिस तरह से इनको किंग खान बनाया, इनको बादशाह बनाया, बिग बी को शहंशाह बनाया, उसका सिंपल लॉजिक समझिए कि पठान मूवी का PATHAAN एलियन सिस्टम में 25 नंबर पर पठान आता है, जिसकी न्यूमोलॉजी 7 होती है। 7 इज ए एंजल नंबर, सबसे लकीस्ट नंबर इन द वर्ल्ड ऐसा माना जाता है, क्योंकि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होता है, मॉडर्न एंशियंट, 7 सीज होता है, 7 कॉन्टिनेंट्स होता है, इससे 7 बहुत ही लकी माना जाता है। रिलीजिंग डेट पठान का 25 जनवरी, फिर से 7। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, शाहरुख खान का डेस्टिनी नंबर, जिसको कंडक्टर नंबर आप बोलते हो, डेस्टिनी नंबर है ना, ये भी 7। 34 नंबर 7 जहाँ 777 आ जाए, उस मूवी को, उस इंसान को कोई भी न्यू गॉड ऑफ बॉलीवुड बनने से नहीं रोक सकता, उस मूवी को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। यही कारण है कि जब सिंगल अकेला 7 जब एंजल हो सकता है, तो 777 महा एंजल, और 777 तो भयंकर एंजल जिसको बोल सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न पठान मूवी का सफल होने का कारण। और ये मूवी मुझे लगा था कि सिर्फ 700 करोड़ रुपया कमाएगी, लेकिन इसने 1500 करोड़,
1500 करोड़ रुपया कमा चुकी है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, अभी आने वाले दिनों पे और भी कितने सारे राइट्स उसको मिलेंगे, कितना सारा पैसा कमाएगा, गॉड नोज। दिस इज न्यूमरोलॉजी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ न्यूमरोलॉजी नेम में ही सब कुछ रखा है, नंबर्स में सब कुछ रखा है, कंप्लीट न्यूमरोलॉजी करवाओ। एक बार इन्वेस्टमेंट है, जीवन भर का सुख है, सुख शांति समृद्धि है, ये आपको डिसाइड करना है। मैंने साबित कर दिया है 24 साल में 50,000 लोगों को कि मैंने अभी तक जनरल क्रिकेट बिजनेस पॉलिटिकल बॉलीवुड हॉलीवुड जितने भी लोगों करके दिया वो सब 100% सही है, राधे कृष्ण की कृपा से। इसका प्रोडक्शन भी देख लीजिए ऑनलाइन, सब सही है। एंड न्यू गॉड ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान, ओनली शाहरुख खान, ओनली शाहरुख खान, जिन्होंने 75 साल के इतिहास को, फिल्म इतिहास को एकदम तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया है, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, फिर से बॉलीवुड में नई जान फूंक दी है, जो कि गॉड का काम होता है जीवन दान देना, उन्होंने फिर से एक नया जीवन दान दिया है। और उनको हमारे उनके फैंस ने, करोड़ों फैंस ने उनको न्यू गॉड ऑफ बॉलीवुड का दर्जा दिया है, टाइटल दिया है, क्योंकि उनकी पठान मूवी ने अकेला ही 1500 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि 2023 में आने वाले दिनों में बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा सब चीज़ के ऊपर, सारे टॉपिक्स के ऊपर, है ना। आप फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।